ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को मानसिक तनाव को दूर यह करता आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है उच्च रक्तचाप और शुगर के लिए योगाभ्यास। योग द्वारा हम डायबिटीज और हाई बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमें कुछ बहुत सरल आसन बताने के लिए हमारे साथ उमरेड से जानी मानी ट्रेनर संगीता जी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं संगीता जी को आमंत्रित करता हूं आज का सेशन शुरू करने के लिए। संगीता जी पहले भी हमारे साथ कई बार मिल चुकी है, हमारे साथ जुड़ चुकी है, परिचित हैं हम उनसे, लेकिन आज का जो दिन है इस दिन मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी आपने योगा में डिप्लोमा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ ही दिन पूर्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष में आपको बेस्ट योगा टीचर्स के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो आपको डबल बधाई, बहुत बहुत आपका अभिवादन, धन्यवाद और स्वागत। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। संगीता जी मिश्रा, ओम अरहं। सभी अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि जो भी आसनों का हम अभ्यास करते हैं उसकी पूर्व अभ्यास हमारा वार्म अप होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जितना भी हम वार्म अप करें, थोड़ा कम समय थोड़ा ज्यादा समय, हमारे एज के हिसाब से हमें वार्म अप सेटिंग करते आना चाहिए। बहुत ज्यादा ओल्ड एज है तो एक दो पॉइंट ही कर सकते हैं, और यंग पर्सन है तो सारे पॉइंट्स आप मेरे साथ साथ देख करके अवश्य करें। ज्यादा वार्म अप में हम समय नहीं लेंगे, सिर्फ मैं 4-4 पॉइंट दूंगी। स्वामी जी के हमारे पतंजलि योगा अभ्यास के 12 स्टेप जो होती है वार्म अप की, बहुत ही जबरदस्त, जिन्होंने कर लिया वो 5 किलोमीटर वॉक करके आ गया, इतना जबरदस्त वह वार्म अप हमारा नियमित योगाभ्यास में किया जाता है। और उसके बाद हम
आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके अंत में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए आप अपने जगह पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी, जगह पर ही। 1, 2, 3 जॉगिंग जॉगिंग करना है हमें 12 स्टेप इन टाइम। अब सेकेंड टाइम हमें सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। सर मैं थोड़ा खड़ा कर लेती हूँ, बाद में करती हूँ, क्योंकि खड़े से दिखाई नहीं देता। राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। ध्यान देना ये जो पैर हमारे इसको ऐसे टच हो जाने चाहिए, एड़िया हमें टच होनी चाहिए। घुटनों के ये भी बहुत जबरदस्त है, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वो 4 स्टेप करना है, ज्यादा बहुत ज्यादा तेज गति से भी नहीं और बहुत ज्यादा मंद गति से भी नहीं। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, पहले घुटनों का ले लेते हैं। चलिए 8, 2, 3, 4, 5, 6 4 स्टेप आएगी इसमें। 1, 2 घुटनों के लिए बहुत जबरदस्त है ये दोनों स्टेप। 4 चलिए दोनों पैरों को खोल देंगे, खोलने के बाद दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैला देंगे, दोनों हाथ सामने की ओर और राइट साइड हमें पूरा बैठ जाना है। जानू विकासक, जानू मतलब घुटना, राइट लेफ्ट राइट। इसमें जो बहुत ज्यादा वृद्ध है वो थोड़ा जिन्हें घुटने की तकलीफ है वे ना करें, और जो युवा है वो पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे बैठे, पूरा सांस छोड़ते हुए ये और फिर धीरे धीरे उठ जाना है। फिर लेफ्ट साइड ठीक इसी प्रकार हमें दोनों साइड से घूमना है। नेक्स्ट अब राइट वाला पंजा हम खोल देंगे, राइट साइड बैठेंगे, 1 लेफ्ट साइड, 2, 3 बैठिए पूरा, 4 सांस छोड़ते हुए बैठना है और सांस लेते हुए उठना है। अब दोनों हाथ लेके हम सामने की ओर लेंगे और पूरा पीछे की ओर झुकेंगे, हमारे से ऊपर का हिस्सा ले लीजिए सांस लेते हुए। पक्ष विकास, 2 सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए 3, 4 रिलैक्स। देखिए एक एक पार्ट का एक एक शरीर पर प्रभाव पड़ता है और हमारा ओवर हेड जितना भी हो वो पूरा खत्म हो जाता है। अब आएंगे हम त्रिकोणासन, कमर से पूरा स्ट्रेट हाथ लेके नीचे, 1 सीधा अंगूठे को स्ट्रेट और हो सके तो दोनों हाथ नीचे, 2, 3 इन्हें बहुत ज्यादा कमर दर्द है ये ज्यादा झुकने का प्रयास ना करें, 4 रिलैक्स। नेक्स्ट कोणासन, अब दोनों हाथ आजू बाजू रखिए, राइट वाला हैंड लेफ्ट वाले पैर पर रख सकेंगे, 1, 2, 3, 4 इसी को हम फास्ट करते हैं ये दोनों स्टेप को। तो देखिए प्रेशर कहाँ आ रहा है, हम झुक रहे हैं यहाँ पर, पूरी स्ट्रेचिंग आएगी यहाँ, यहाँ से कंधे से लेकर पूरा हिप्स तक ये जितना भी एक्स्ट्रा फैट है आपको पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कितना अभ्यास करना पड़ेगा कितना अभ्यास हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब दोनों हथेली को हम सांस लेते हुए ऊपर ले चले, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3 देखिए स्ट्रेट नहीं रहना, कमर से पीछे झुकना है, नजर ऊपर हथेली को देखना है, बेल्ट कान से लगे हुए, 3 माथा लगाना है घुटने को, 4 रिलैक्स। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेप ले रही हूँ क्योंकि हमें और बहुत सारा सीखना है, करना है आसनों का अभ्यास विशेष बदलने के लिए और आगे, इसलिए हमें सिर्फ 4 स्टेप ले रही हूँ। हमें नियमित अभ्यास कितना करना होगा, 10 कॉम्प्लीट, 5 टाइम राइट साइड और 5 टाइम लेफ्ट साइड। चलिए नेक्स्ट, अब विशेष हमारा अभ्यास होता है पीटी, बचपन में याद आ जाना चाहिए, बचपन में हम पीटी करते थे। 4 स्टेप, 1, 2, 3, 4 जंप कर, ये हुई 4 स्टेप। अब हम 2 में, अब इसी को और
फास्ट करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। लास्ट स्टेप हमारा योगिक नृत्य, स्वामी जी का बहुत ही फेवरेट है लास्ट स्टेप योगिक नृत्य। हमारे बारे राइट सेट कर दीजिए, दोनों हाथ कर दीजिए, हाथ सारे गर्दन भी हमें दिखाना है, फुल बॉडी ट्विस्टिंग, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और जंप कर देंगे, और जिन्हें घुटने की तकलीफ है कमर पे फास्ट बन स्टेप भी करेंगे। उन्होंने कैसे करना है, जंप पे करना, 1 2 1 2, और जिन्हें तकलीफ नहीं है वे पूरा जंप करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। चलिए बहुत ही हमारी जबरदस्त जबरदस्त वार्म अप है, 10 हमारी स्टेप हम लोग कर सकते हैं और 12 स्टेप उसमें होती है। लंबी गहरी सांस लेंगे, आओ पसीना बाहर, वार्म अप 5 किलोमीटर वॉक करके हम आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा एक जगह पर हम इतना लाभ ले सकते हैं, पूरा सर से लेकर पैर के अंगूठे तक हमारा बहुत ही जबरदस्त पसीना है, यही का इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे शरीर में गंदगी जमती है प्रति सेकंड, इसे ही हमें प्रतिदिन बाहर निकालना है योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, और किसी कोई भी किसी प्रकार का और भी आप योग करते हो या किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हो, ये जितनी गंदगी हमारे शरीर के अंदर बैठी ज्यादा यही विषैले तत्व यही टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमते बीमारियों का घर बना देते, और इतना बड़ा घर बनता है कि वो बीमारियां बाहर निकलने में उसे बहुत तकलीफ होती, इसलिए हम इन बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो चुके हैं, पसीना आया हो तो आप उसे पोंछ लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, और इसी के साथ साथ सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सूर्य नमस्कार लास्ट आप यही चैनल पे आप देखेंगे, सूर्य नमस्कार का मेरा पूरा 12 स्टेप का वीडियो है, बहुत बीच में मैंने लिया उसे, मंत्र उच्चारण के साथ में, बीज मंत्र के साथ में, और आरंभिक श्लोक और सारे चक्र के माध्यम से उसे बहुत डीप में मैंने समझाया है, आप उसे जरूर देखें, क्योंकि अभी सूर्य नमस्कार करूंगी तो बाकी का हमारा पैकेज रह जाएगा, इसलिए हमें देखना सुनना ये सब सारी चीजें, तो इसलिए हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास को भी यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और आगे चलेंगे पीठ के बल लेते हुए। संगीता जी, सूर्य नमस्कार का आपका वीडियो आज मैं ग्रुप में है शेयर कर दूंगा, आज जी सारे सभी ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ जी सर, तो ये हमारा बहुत ही जबरदस्त जो है सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास, मधुमेह जितना पसीना बाहर निकलेगा उतने आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। एक चीज और ध्यान दीजिए, मधुमेह और हाई बीपी, लेकिन ये जो फास्ट एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो ये मधुमेह के लिए, और यही एक्सरसाइज को हम थोड़ा मीडियम चलेंगे थोड़ा स्लो चलेंगे तो वो हाई बीपी के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हाई बीपी वाले को फास्ट एक्सरसाइज बिल्कुल बंधन है, उन्हें मीडियम और स्लो में करना है, इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पीठ के बल आसन करेंगे, पीठ के बल हम आसन करेंगे, दिखाई दे रहा है ना सर? लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाए सभी, ये बहुत ही जबरदस्त है, पेट के लेटे हुए आसनों के अभ्यास में हमें बिल्कुल करना ही करना है, ये जितना हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है वो पूरा हमारा फैट खत्म करने वाली चीज है सारी स्टेप। लेटे हुए आसनों के अभ्यास में देखिए पाद वृत्त आसन, पहले हमें पूरा लेट जाना है अच्छे से, हमारे योगा मैट है जो भी हमारे पास नीचे में बिछा हुआ है तो
दोनों हाथ आप बैलेंस के लिए यहाँ कमर के आसपास रख सकते हैं ताकि हमारा बैलेंस अच्छा बने और हमारी बॉडी हिले ना, बिल्कुल स्ट्रेट। ध्यान देंगे पाद वृत्त आसन। पाद मतलब पैर, वृत्त मतलब गोल। सारे आसनों के नाम में भी सारी बातें छिपी हुई है, इसे हमें ध्यान देना है। चलिए राइट वाला पैर उठाएंगे, कंप्लीट स्टार्ट करेंगे हम पूरा 90 का एंगल। लीजिए सांस लेते हुए कंप्लीट ऊपर स्ट्रेट, कमर से पूरा घुटने से बिल्कुल भी नहीं। उठाते समय ध्यान देना हमें कमर से पैरों को ऊपर उठाना है, घुटने से उठाओगे तो ऐसे लूज रहेगा और कमर से खींच के उठाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। सांस लेते हुए हमने उठाया, अब राइट साइड से हमें बड़ा सर्कल बनाना है कंप्लीट। इमेजिन कीजिए कि पैर के अंगूठे में हमने पेंसिल रखी हुई है और उस पेंसिल से हम बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे लेफ्ट साइड से, 4, 5, 6। यहाँ ध्यान देना जब हम राइट वाला पैर उठाते तो लेफ्ट वाले पैर की पोजीशन हमारी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, देखो कुछ लोग ऐसे आ रही थी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए जब हमारे आजू बाजू पूरा बना लीजिए अच्छे से अपने आप को सेट करना है। चलिए अब लेफ्ट वाला हम पैर उठाएंगे सांस लेते हुए ऊपर राइट साइड से, 1, 2, 3। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा सेम पोज, जो राइट साइड से की जाती है सेम पोज उल्टे साइड से भी हमें करना है। ये हम कर रहे हैं अभी हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, इसे हम फास्ट भी कर सकते हैं। वेट लॉस का जब मैंने पैकेज दिया था तब मैंने इसे बताया था कमर के आसपास का पूरा फैट खत्म करना है, उन्होंने कितने टाइम करना है 50 टाइम, मतलब 25 टाइम राइट साइड 25 टाइम लेफ्ट साइड से, बिल्कुल 1 वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। कब? जब हम नियमित अभ्यास करेंगे तब। एक वीक करने से लाभ होता क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब इसी में आएगा दूसरी स्टेप, पाद वृत्त आसन की दूसरी स्टेप। उठाने की तरफ पर 90, अब राइट साइड से 1, पूरा स्ट्रेट ध्यान दीजिए पैरों की तरफ, 2, 3, उल्टा घुमा लेंगे, 4, 5, 6। रिलैक्स, अब इसको भी हम पास घुमाएंगे, देखिए नाभि पर हमारा खिंचाव आ रहा है, फैट तो हमारा खत्म हो गया ही होगा पक्के से, लेकिन मधुमेह पैनक्रियास ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मधुमेह के लिए ही आज विशेष हमारा अभ्यास हम करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आएगा द्विचक्री आसन। द्वि कहने का तात्पर्य दो, चक्री मतलब चक्का, छोटी सा चक्री। दोनों पैरों को पास में ले लीजिए और घुमाइए धीरे 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 धीरे। घुटनों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है ये, छोटी साइकिल जगह पर ही हमें चलाना है, वापस भी आना है, उल्टी साइकिल चलाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा ध्यान रखिए, वन साइड क्रिया करके हमें नहीं छोड़नी है। अब इसी में सेकंड पार्ट आएगा बड़ी साइकिल, चलिए बड़ी साइकिल चला लेंगे। टैग पड़ता है जो बच्चा चलाता है, इमेजिन करके हम एक दिन करते हैं तो पूरा पूरा ध्यान से योगाभ्यास हमारा होता है। चलिए सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेट नीचे आते हुए जमीन से फिर ऊपर 92 ले चले ऊपर, 3, अब उल्टा घुमा लेंगे, 4, 5, 6। रिलैक्स, द्वि चक्री आसन की यह दूसरी स्टेप। हम नेक्स्ट करेंगे हस्तांगुष्ठनासपर्शासन, उसके भी दो पार्ट है। पहले राइट वाला पैर उठाएंगे हम, इसे हाथों को लॉक कर दीजिए, अब सांस छोड़ते हुए कमर से उठेंगे गर्दन से और नाक लगाएंगे अंगूठे को, देखिए हस्त हस्तांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। दूसरा पैर सीधा रखिए, हस्त बोले तो हाथ, अंगुष्ठ बोले तो पैर का अंगूठा, नासा बोले तो नाक, स्पर्शासन स्पर्श हो रहा है मतलब आसन हमारा तैयार है। चलिए अब नेक्स्ट पैर से सेम पोज,
दोनों साइड से करना इम्पोर्टेंट होता है। ये पहली स्टेप है हमारी, देखिए सब टाइम क्रिया एक्सपेक्टेशन पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, मेंशन कीजिए। थोड़ा देर रुकने का अभ्यास करना है इसमें, 5-10 सेकंड रिलैक्स। अब इसमें दूसरी स्टेप, दोनों पैर नमस्कार की स्थिति में ले लेंगे, दोनों हाथों को हमने लॉक किया, दोनों पैर उंगलियों को ऐसा पकड़ लिया। अब फिर से हम आगे से उठते हैं, सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर हाथों को होल्ड कीजिए, हस्ता पार्ट टू, हाथों को अंदर रखना है, रिलैक्स। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। तो ये हुआ हमारा पैरों की सारी स्टेप, देंगे पाद वृत्तासन पहला पार्ट, नोट कर सकते हो तो कर लीजिएगा, देख तो लिए हो प्रैक्टिकल के साथ, तो आएगा ही आएगा, आपको देखना ही देखना है, सीखना ही सीखना है, करना ही करना है। सेकेंड पार्ट हमारा द्विचक्रिकासन, तीसरा पार्ट हमारा हस्तांगुष्ठ नासास्पर्शन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब आपका कमर के आसपास का बिल्कुल खत्म हो गया। चलिए है तो होगा, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे आने वाले समय में नहीं होगा। चलिए हम सेतु बंधासन, दोनों पैर को पास में रख लेंगे, अब दोनों हाथों से दोनों पैर के एड़ियां पकड़ना है। अब सिर्फ सांस लेते हुए हमें कमर को ऊपर उठाना है, कमर दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है ये, और देखिए पेट पूरा हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, नाभि की ओर, मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है। चलिए सांस लेते हुए पूरा ऊपर ले लेना जितना संभव हो सके, बदन सीधी। आइए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, धीरे से दोनों पैर को खोल देंगे। यहां मैं शवासन नहीं ले रही ज्यादा, जो जो मेरे साथ कर रहे हैं, जैसे ही आसन आपका कंप्लीट होता है आप 2-3 श्वास और प्रश्वास जरूर लेने का अभ्यास करें, ठीक है, क्योंकि शवासन लेंगे तो हम आगे का पैकेज नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पवन मुक्तासन, मधुमेह के लिए पवन मुक्तासन, इसलिए हमारा पेट हमेशा जी, थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए आप, जी सर कैमरा सेट कीजिए आपका, अच्छा अच्छा अब देखिएगा सर, ठीक है, हाँ अभी ओके, हाँ पवन मुक्तासन। पहले अपनी स्थिति ले लेंगे हम, बिल्कुल दोनों पैर खींच के रखेंगे नीचे, थोड़ा पीछे ले लो क्या सर, दोनों पैर खींच के रखना है पीछे, पवन मुक्तासन, राइट पैर से उठाएंगे हम पैर 145 डिग्री, 2 में 90, 3 में 4, अब दोनों हाथों से लॉक करके हम पूरे घुटने को पेट पर दबाएंगे। दूसरा पैर ध्यान दीजिए ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखें, जमीन से बैठा करके और सांस छोड़ते हुए होल्ड कीजिए, थोड़ी देर रुकने का अभ्यास कीजिए। पहली स्टेप पवन मुक्तासन, खुद्दी लगाइए घुटने को, जिन्हें गर्दन की समस्या है वो ना लगाए, वो जमीन से ज्यादा ही रखे। आइए सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर ऊपर हाथ पीछे 45 डिग्री, और दूसरे पैर के अंगूठे से टच करता हुआ एड़ी जमीन पर लगाने का प्रयास। नेक्स्ट दूसरे पैर से करेंगे 45 डिग्री, 90 फोल्ड, दबाइए पूरा पेट पर, सांस छोड़ते हुए और कीजिए। आइए पापा सर नीचे, पैर ऊपर, रिलैक्स। अब दोनों पैर से एक साथ 45 डिग्री, 90 फोल्ड, सांस छोड़ते हुए सेकेंड पार्ट पवन मुक्तासन का दूसरा पार्ट, दोनों पैर से किया दूसरा प्रकार, एक पैर से किया पहला,
संस्कृति में पूरी गठरी बांधना है और हो सके तो इसे राइट लेफ्ट कन्वर्ट लेना है। बहुत बढ़िया है, वेट लॉस के लिए राइट लेफ्ट गर्दन बना के रखिए, राइट लेफ्ट कीजिए, अप डाउन अप मसाज, बहुत ही जबरदस्त। बांध के रखिए, गठरी खोलना नहीं है, सांस छोड़ते हुए बांध के रखिए, खोल दीजिए। आइए वापस, सर नीचे, पैर ऊपर, हाथ पीछे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स कीजिए। अगला सांस लेंगे, हलासन से भी हमारी पैनक्रियास पे प्रेशर आता है और हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। चलिए पहले अपने आप को सीधा कर लीजिए, अर्ध हलासन करेंगे, जिन्हें पूर्ण नहीं आता वे अर्ध की तरफ ध्यान देंगे। 45 डिग्री दोनों पैर एक साथ उठाइए, सांस लेते हुए हल मतलब जो खेतों में हल होता है ना, वही हमारे बॉडी की पोज है। 290 हाथ कमर के आसपास, ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। स्ट्रेट बिल्कुल, पैरों की दिशा देखिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना आगे ना पीछे। अब इसी को हम सर के पीछे ले चलेंगे तो पूर्ण हलासन हो जाएगा, ध्यान देंगे। 45 डिग्री उठाइए, 45 डिग्री 90 सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ उठाइए, बिना हाथों के सारे उठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे शुरुआत में अभ्यास नहीं बनता बिना उन्होंने हाथों से कमर पकड़ के ऐसे उठाने का प्रयास, फिर जब आपका अच्छे से बनने लगेगा ये हाथों का सहारा छोड़ दीजिए। चलिए हाथों को अंदर रखिए, होल्ड कीजिए थोड़ी देर, पूरा सर के पीछे हमारे पैर जा रहे हैं, और स्ट्रेट रखिए, पैर जमीन से सटे हुए, बॉडी को हिलने ना दें, फिर रखने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो धीरे धीरे झटके से वापस बिल्कुल नहीं आना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। यहाँ पर हम लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे पहले अपने आप को, फिर अगले आसन की ओर हम चलेंगे। लीजिए लंबी गहरी सांस, हाई बीपी के लिए शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे शरीर में जो हाइपरटेंशन हो जाता है मस्तिष्क, बहुत जल्दी हमें रिलैक्स करना शवासन के माध्यम से। जब हम शवासन करते हैं तो हमारे इन बंद आंखों से अपने शरीर की ओर देखने का प्रयास, और अंदर चलिए ध्यान लगाइए। शवासन करेंगे, रिलैक्सेशन की पोज है ये, अनिद्रा की समस्या, हाइपरटेंशन, जब भी आप कोई अवस्था में हो तो यह हमें जरूर कर लेना चाहिए। संपूर्ण ध्यान हमारा श्वास और प्रश्वास की ओर ले चले, ध्यान दोनों पैर की एड़ी की ओर, हमारी कमर के आसपास आसमान की ओर, आंखें कोमलता से दोनों पैर की एड़ियां, रिलैक्स पिंडलियां, रिलैक्स दोनों घुटने, रिलैक्स दोनों जंघाएं, रिलैक्स कमर का हिस्सा गोलाकार स्थिति में, रिलैक्स दोनों साइड की पीठ, रिलैक्स दोनों साइड का सीना, रिलैक्स कंप्लीट पेट का हिस्सा, सभी ऑर्गन के साथ किडनी, पैनक्रियास, लिवर, रिलैक्स बाहर से नाभि के साथ, रिलैक्स कंप्लीट हमारा सर्वाइकल 33 स्टेप की, रिलैक्स दोनों साइड का शोल्डर,
कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा रिलैक्स, गर्दन के हिस्सा रिलैक्स। अब ले चले ध्यान चेहरे के सभी ऑर्गन की ओर, दोनों दर्द गोलाकार स्थिति में रिलैक्स। मुख के अंदर कंठ जीवा तालु रिलैक्स, कान रिलैक्स, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ बाहर रिलैक्स। माथा लॉट से कहते हैं रिलैक्स। कंप्लीट हमारा मस्तिष्क अंदर से बाहर सभी और गोलाकार स्थिति में रिलैक्स। हमने जो आसन किया था थोड़ा हमारा शरीर भारी हो चुका था, अब हमने शवासन के माध्यम से अपने आप को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर दिया। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का नजर आ रहा है और हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, लाइट वेट हो चुका है, हवा में तरलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तब जाके हमारी स्थिति शवासन की कंप्लीट हो चुकी है। दोनों पैर की उंगलियां हिला लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियां हिलाइए, आपस में घर्षण कीजिए, परिबंध है और इन गर्म पतेली अपनी आंखों पर रखकर हमारे चेहरे का तेज ओज बढ़ता है। असमय आने वाली जो चेहरे पे छुट्टियां होती है वो सबसे अधिक ऊर्जा हमारे लिए जो हाथों से घर्षण करते हैं, तो एक्यूप्रेशर में भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। चलिए अब धीरे से हम लेफ्ट करवट लेकर उठने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट नहीं उठना है, इस से ध्यान दीजिए ताकि लेफ्ट करवट लेफ्ट हैंड का सहारा दीजिए, थोड़ा सा गर्दन रखिए उसके ऊपर ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा हार्ट में हो और राइट नोस्ट्रिल हमारी तेज चल रही, मतलब सूर्य नाड़ी तेज चले से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट करवट लेते हुए भी हमें उठकर बैठना है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमेशा ध्यान रखिए 15 से 30 मिनट का अभ्यास हमें लेफ्ट करवट पर ही आकर के लेटना है, क्योंकि सूर्य नाड़ी हमारी तेज चलती है और सूर्य नाड़ी तेज चलने से फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा खाना भोजन खाते हैं वो खाना इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, उसकी तरफ हम कितने पंच पकवान खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, कोई उसका अर्थ नहीं, लेकिन वो डाइजेस्ट होना बहुत चाहिए। आप 56 भोग खाइए यदि वो खाना पच नहीं रहा कोई अर्थ, आप चटनी रोटी खाइए 2-3 दाल चावल सब्जी रोटी यदि वो डाइजेस्ट हो रहा है वो पंच पकवान से बेहतर, 56 भोग से बेहतर। तो हमारा डेली जो हम भोजन खाते हैं जो अनाज है वो डाइजेस्ट होना, यदि वो डाइजेस्ट नहीं हो तो क्या साथ में बताती हूँ, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या? सबसे पहले तो हमें हाइपर एसिडिटी होगी, एसिड का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ जाए। हमारा शरीर एक दिन 24 घंटे में 2 लीटर एसिड तैयार करता है, यह हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है क्योंकि एसिड नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा, लेकिन ओवर एसिड ज्यादा यदि प्रमाण में एसिड बनता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है और इतनी जबरदस्त हाइपर एसिडिटी होती है तो शरीर के स्तर से लेकर पैर के अंगूठे तक किसी भी जगह वो जगह बना देती है और जॉइंट पे अक्सर जगह बनने के बाद जॉइंट पेन होगा, बाथरूम बढ़ जाएगा और सबसे अधिक एसिड का प्रमाण बढ़ने से यूरिक एसिड और यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ट्रीटमेंट देने के लिए, भाई आम्लदित हो गया हाइपर एसिडिटी हो गई से दवा। अब जिन्हें हाइपर एसिडिटी होती है उन्हें जरूर 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 हाई बीपी होगा ही पक्का, लिख लीजिए।
आपको देखिए कई उदाहरण से नीत वर्ग चलते हैं, उसमें मैंने कई लोगों की शिकायत इस तरीके से दूर की। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारे अंदर जो डिसीज है, जो बीमारियां, उसको फोकस करके, मतलब फोकस करने का अर्थ उस पर ध्यान दे करके यदि हम योगाभ्यास करते हैं, ब्लड पर्टिकुलर आप पहले दिन पैकेज दे दीजिए, कोई भी आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी योग शिक्षक हुआ, आप उस चीज को बता कर छिपा कर मुझे ये है, मुझे वो है, कई जगह हम छिपाते और छिपाने से योगाभ्यास का उल्टा असर होता है। अब मान लीजिए हम अगर स्थिति है और हम नियमित अभ्यास फास्ट कपाल बनते स्थिति बढ़ेगी, पक्की बात है। स्लो में करते अनुलोम विलोम का पैकेज करते आपकी दूर होगी, साथ में शुद्धि क्रिया का जो पार्ट होता है गमन होती, मेरे लास्ट में मेरे इस पे चैनल पे है गमन होती, षट कर्म के पार्ट एक पार्ट दो आप जरूर देखिए, उसमें गमन होती मतलब गमन यानी कोमित करना, भरपेट पानी पीना, लिखा पूरा मैंने प्रैक्टिकल दिया है उसको यदि आप करते तो आप बिल्कुल दूर। तो ये चीज पे हमें जाना। चलिए अब अगले आसन की ओर हम चलते हैं, दोनों पैर हम खोल दें, वज्रासन, खाना हमारा डाइजेस्ट होना चाहिए, राइट वाला पैर हम राइट साइड से फोल्ड करेंगे, अब लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड से फोल्ड कर लेंगे पीछे की, और पैरों को ध्यान दीजिए ऐसे खड़े नहीं रखना, आपको वज्रासन में कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, जी नहीं ये पोज गलत है, पूरे पैरों को ऐसे करके हमको सुलाना है और ऐसे करके ये हुई हमारी वज्रासन की स्थिति। वज्र शक्तिशाली, इसका नाम ही बहुत जबरदस्त, ये आसन हमारा इकलौता आसन भोजन के उपरांत किया जाता है, यदि हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारा इकलौता यही एक आसन ऐसा कि जो भोजन के कारण बाकी सभी आसनों का अभ्यास खाना खाने के पहले किया जाता है, सीधे होकर बैठे और जिन्हें घुटने की तकलीफ है ना धीरे धीरे उन्हें ऑब्जर्वेशन कराया जाता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी, जी सर आवाज कम आ रही है। अच्छा सर, इसी प्रकार हमें ऐसे करके बैठना होगा, अमर सीढ़ी अब ठीक है सर, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे क्या आप थोड़ा सा, ठीक है सर। तो यह हुई हमारी वज्रासन, ठीक अब धीरे से हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, ये हुई कमर हमेशा सीधी, ऐसे ना ही झुक के बैठना है और ना ही ऐसे पूरा सीधे को बाहर निकाल के एडिया हमारी पीछे की ओर पूरी हिप्स को टच है, ठीक। इसी प्रकार अब हम एक अगला आसन करेंगे मंडूक आसन, मंडूक आसन मतलब मेंढक, मेंढक का पोज। देखिए आसनों को हमको पहचानना है, मेरी हमेशा की आदत है जब भी मैं योगाभ्यास कराती पहले उस शब्दों को आपको पहचान करा, हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने, ये कौन सा कपड़ा है, सिल्क है कि कॉटन, ये हम जरूर पहचानते जरूर पूछते, ऐसे ही आसनों का अभ्यास मंडूक आसन, मंडूक मतलब मेंढक, ये शब्दों को आप जानने की कोशिश करें बिल्कुल 100% आपको आसनों के नाम याद हो जाएंगे, नहीं आपको लाइफ दे। देखिए वज्रासन में हम बैठे हैं आराम से, ये विशेष जो आसन है अभी हम करने वाले हैं मंडूक आसन, ये विशेष मधुमेह नाभि पर हमारा प्रेशर पड़ेगा, पैंक्रियास हमारी तेज होगी और मधुमेह हमारा फुल मेंटेन, शुगर कंट्रोल रहेगी, बढ़ेगी नहीं और घटेगी। ऐसे दोनों मुट्ठी हमें बांधना है, अंगूठा अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की ओर, स्ट्रेट बैठिए वज्रासन में, और मान लीजिए किसी घुटने की तकलीफ है किसी को तो आप सिंपल पालथी मार के भी आराम से बैठ सकते हो, देखिए नाभि के आसपास ऐसी होती है स्पर्श करके खड़ी लीजिए लंबी गहरी सांस और छोड़ दीजिए बाहर नसिका से, मतलब हमारा पेट पूरा खाली, जब भी झुकना है हमें तो हमारे पेट को बिल्कुल भी बाहर नहीं रहना चाहिए। चलिए
आइए वापस आप शक्ति जितना संभव हो सके आपको उतना ही होल्ड करके रखना है, बहुत जोर जबरदस्ती देके नहीं करना। यदि आपकी इच्छा हो वापस आने की फिर सांस लेते हुए आपको वापस आ जाना है। ठीक इसी प्रकार इसमें सेकंड पार्ट में बता रही हूँ आपको, ये जो हमारा प्रोपोल है धीरे की नाक ऊपर रखती है, इससे हमारे लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन है किडनी पैंक्रियाज के पास किडनी लिवर इसके लिए बहुत ज्यादा हमारा लाभ मिलता है। लेफ्ट हैंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीजिए हथेली लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, झुक जाइए, गर्दन थोड़ी ऊपर उठा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा प्रमाण में हमारे चेहरे पर आता है और चेहरे में बहुत जबरदस्त मसाज होता है, चेहरे का तेज ऊर्ज हमारा बढ़ता है। आइए सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर रिलैक्स, धीरे से पैर खोल देंगे अब, धीरे से दोनों पैर एक साथ पश्चिम उत्तानासन करेंगे अब हम। पूर्व दिशा होती है पूर्व और पश्चिम, पूर्व सामने पश्चिम, जब हम गर्दन पूरी ऐसे करके पीछे घुमा लेते हैं नीचे की ओर तो हमें अपोजिट डायरेक्शन मिलता, सामने पूर्व पीछे पश्चिम, नीचे जाएंगे तो पश्चिम, इसलिए इसका नाम क्या है पश्चिमोत्तानासन, सिंपल है, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सांस लेते हुए दोनों हथेली ऊपर जितना संभव हो सके, ज्यादा कमर दर्द सिर्फ इसकी प्रॉब्लम होगी तो वो ज्यादा ना झुके, सिर्फ उन्हें इतना झुकना नीचे, ठीक है। चलिए बाकी सभी झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए ध्यान दीजिए, यदि आप सांस नहीं छोड़ोगे पेट में वायु रहेगी तो आप और हो सके तो हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ना है, कोहनी जमीन को टच करना है, सांस को होल्ड करना है। धीरे से आइए सांस लेते हुए दोनों हथेली कानों के सहारे रिलैक्स, ये हुआ हमारा पश्चिम होता है। अब जब हम जनरल योगाभ्यास कराते हैं ना तो पैर आगे झुके तो पीछे, अब इसका पूर्व उत्तानासन भी है लेकिन अभी समय के अभाव के कारण मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, और भी आगे का पैकेज लेना है इस वजह से, ठीक है। तो ऐसा हमारा बैठे स्थिति का भी अभ्यास हमें करना है, कुछ आसने आसन जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे हमने पश्चिम उत्तानासन किया ऐसे ही जानु शीर्षासन है और अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे, ये भी हमारा मधुमेह के लिए है, बहुत ही जबरदस्त आसन है, थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत अच्छा है। राइट वाला पैर लेफ्ट पैर के बाहर निकाल दीजिए, वन टू टू में लेफ्ट पैर के राइट वाले पैर के बाजू में लेफ्ट पैर खड़ा रख। अब यहाँ पे ध्यान देना, राइट पैर लेफ्ट पैर के बाहर निकाला नीचे से और लेफ्ट वाला पैर राइट पैर के घुटने के बगल में खड़ा रखिए। अब यहाँ पे क्रॉस जाए, लेफ्ट हैंड बाजू में रखिए और राइट हैंड सांस लेते हुए पुनः बगल में घुटने को दबा दीजिए और हो सके तो पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और घूम जाइए पूरा पीछे, पूरा ट्विस्ट हो जाए। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड से भी आपको करना है, धीरे धीरे आसन खोल दीजिए, सेम पोज, लेफ्ट पैर बाहर निकाल दीजिए राइट पैर के, अब राइट पैर यहाँ पर रखा है साइड में घुटने के बगल में, राइट हैंड बाजू में, फिर लेफ्ट हैंड उठाइए सांस लेते हुए घूम जाइए पूरा पीछे, जस्ट हो जाइए नजर पीछे की, पूरा पेट पे प्रेशर आता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्य पानी में जो होता है ना बड़ा वाला मत्स्य, छोटा नहीं, रिलैक्स धीरे से सांस लेते हुए हथेली खोलिए वापस आ जाए। चलिए अब हम यहाँ पर आसनों के अभ्यास को रोकेंगे और थोड़ा हाई बीपी के लिए कुछ कराएंगे।
ये जो हम आसन किए फास्ट वाले जितने भी, ये मधुमेह जितना आपका पसीना निकलेगा उतनी आपकी शुगर मेंटेन रहेगी, ये चीज का ध्यान रखिए। और हाई बीपी के लिए आपको स्लो करना, जो हमने आज आसनों का अभ्यास किया ये करना जरूर है, लेकिन फास्ट बिल्कुल धीरे। कपालभाति प्राणायाम, जब आपका हाई बीपी बढ़ा हुआ रहता है तब आपको कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल निम्न गति से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे फास्ट वे, तीन स्टेप में निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति, तो आपको मीडियम की करना या निम्न गति करना। लेकिन आप यदि इस अवस्था में फास्ट कपालभाति करो तो आपका बीपी हाई होगा। तो क्या करना होगा हमें, जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमें चंद्र भेदन प्राणायाम, अब चंद्र प्रणाम ठीक है, सभी जानते हैं सूर्य नाड़ी राइट वाली और लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी, दोनों का मिलन मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी क्या देता गर्मी, चंद्र नाड़ी क्या देता ठंडक। तो हाई बीपी क्यों, क्योंकि शरीर में गर्मी के विकार, पित्त के विकार बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा हाई बीपी। सूर्य नाड़ी यदि तेज चलती है इसलिए अब उसे हमें नीचे लाना, कौन सा प्राणायाम करना होगा, चंद्र भेदन प्राणायाम। दोनों हाथों की मुद्रा पाएं, बिल्कुल समय के भाव के कारण मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाना चाहूंगी आपको। दोनों हाथों की मुद्रा बनाएंगे, राइट वाले नॉस्ट्रिल को राइट अंगूठे से दबा दें, बंद कर। अब हमें चंद्र ध्यान देना है, ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्राणायाम के असर हमारे शरीर पे गलत प्रभाव, गलत बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस दे रहे हैं तो उसके परिणाम पड़ना ही चाहिए। तो लेफ्ट नसिका से हम सांस लेंगे और राइट से छोड़, बस ऐसे ही हमको कंटिन्यू करना है, चंद्र वेदन प्राणायाम से, चंद्र वेदन लेफ्ट नसिका से चंद्र नाड़ी राइट वाली सूर्य, नीचे लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में हमें महसूस होना चाहिए। अब धीरे से छोड़, टॉप नहीं करना है लेकिन महसूस करना है, थोड़ा देर रुकने का प्रयास, फिर राइट को दबा देंगे, फिर लेंगे लेफ्ट, फिर राइट को दबा दीजिए अंगूठे से, लीजिए लेफ्ट नसिका से, ऐसे ही हमें क्रम हमारा चलते रहेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास आप प्रतिदिन करें। और यदि आपका हाई बीपी होता है तो 15 मिनट आधा घंटा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के बाद 4 दिन के बाद आपको ऐसा महसूस करा कि हाँ मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है तो आपको चेक कराना जाना होगा कि सच में मेरा बीपी नॉर्मल आया है या नहीं, नॉर्मल है तो आप इस प्राणायाम को फिर रोक दें, सिंपल प्राणायाम में आ जाएंगे। कौन सा आपको सभी को पता है प्रतिदिन हम योगाभ्यास ही है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम दोनों नसिका से एक चंद्र भी और सूर्य भी वो पूरा मेंटेन रखेगा, ना ऊपर ले जाएगा ना नीचे लाएगा, इसी के विपरीत मतलब लोग योगी। अब लोग योगी के लिए वैसे इतना टॉपिक आज लोग का नहीं, फिर भी मैं चलो बता देती हूँ, इसी का विपरीत करना है, जैसे अभी हमने चंद्र वेदन प्राणायाम आई बीपी के लिए, ठीक इसी प्रकार सूर्य भेदन प्राणायाम लो बीपी, समझ गए, लो बीपी और ठंडक आ जाती है और हमारा बहुत ज्यादा नीचे चले जाता है, उसको गर्म करना पड़ेगा, क्यों, सूर्य भेदन प्राणायाम से। यदि हम सूर्य नाड़ी से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर सूर्य से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, ऐसा क्रम चलते रहेगा तो आपका बढ़ने का मतलब बहुत हाई नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। फिर आप चेक कीजिए बैलेंस बराबर नॉर्मल हो चुका है आपका बीपी, तो आप रोक दीजिए, फिर डायरेक्ट आप अनुलोम विलोम में आ जाइए, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस करना है, मेहनत करिए तब जाकर रिजल्ट होते हैं और हमारी डिसीप्लिन हो जाती है, जरूरत नहीं। वैसा ही है सूर्य भेदी प्राणायाम और हमारा चंद्र भेदन प्राणायाम। अब इसी के साथ साथ हमारा एक और प्राणायाम का अनुलोम आपको पता ही किया है, उसके बाद आता है भ्रामरी उद्गीर प्रणव और फिर बाद शीतलिका, हाई बीपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट।
ये देखिए कैसे करना है। शीतली प्राणायाम, सिंपल बैठ सकते हो, दोनों तीनों चारों अवस्था है प्राणायाम की स्थिति, पद्मासन, अग्रभागासन, सुप्तिकासन और सिद्धासन। ध्यान देंगे शीत की, शीत मतलब ठंडक, हाई बीपी यदि होता है तो आप ये प्राणायाम जरूर कर ले, चंद्रभेदन का तो करना ही, लेकिन साथ में इसको भी करना। तो कैसे करेंगे, जीत को बाहर निकालना है, पाइप बनाइए, इधर से भी उठाइए इधर से भी, दोनों साइड आप उठाएंगे ऐसे पाइप बनाइए और उस पाइप से श्वास को भीतर लीजिए। देखिए श्वास लेकर के अंदर ले लीजिए श्वास, फिर बाहर ये अंदर निकल ले ताकि गले में हमारे ठंडक ठंडक, ठीक है, तो शरीर में फिर थोड़ी ठंडक पैदा हो। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे पानी नहीं क्या करो, पानी नहीं तो ये प्राणायाम आप एनी टाइम कभी भी कर सकते, तो आपकी प्यास मिट जाएगी, ऐसा महसूस होगा थोड़ी ठंडक ले गई हो, तब भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम सिंपल, जी बाहर निकालेंगे, देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, पाइप बनाइए, आजू आजू बाजू दोनों साइड से उठाइए, आप पूरा श्वास भीतर भरिए, मतलब लेना है और उसको निकल लेना है, मुंह बंद करके निष्ठा से श्वास को छोड़ देना है, ऐसा 4 से 5 बार जरूर कीजिए। रिलैक्स, शीतली प्राणायाम हाई बीपी में बहुत ही कारगर होता है और चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। जब हाई बीपी रहेगा तो अनुलोम विलोम भी करना है, लेकिन जब हमारा बहुत हाई बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी हो चुका है, तो ये पहले करना है, और जब नॉर्मल होने को आ चुका है तो फिर हम अनुलोम में को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतना हमें हमेशा ध्यान, अंत में हमारा भ्रामरी, उद्गीर और ओंकार। तो चलिए अपना समय भी हो रहा है, अब हम भ्रामरी प्राणायाम की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि हमारा मस्तिष्क शांत, नाक कान गले की बीमारी सारी दूर। चलिए लोगों के कानों की छिद्रों को बंद कर दीजिए, तीन उंगली आंखों पर रखिए, पहली उंगली माथे पर, लंबे दीर्घ श्वासों के साथ नसिका से आवाज ऊपर लेनी है, मां का गुंजन गले से आवाज नहीं लेना, ध्यान दीजिए, लंबे दीर्घ श्वासों के साथ इसका नाम होता है E मतलब ear, N मतलब nose, T मतलब throat, नाक नाक कान गले की बीमारी दूर, कौन भ्रामरी प्राणायाम, सिंपल अकलान अटक अटक की जो आवाज आती है बचपन से आवाज, ये चीजें बहुत काफी है, आवाज में आपकी मधुरता आती है, श्वसन मार्ग हमारा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, स्वर यंत्र बहुत ज्यादा मधुर हो जाता है। चलिए अंत में उद्गीर ओंकार, ओ लंबा खींचना है, लंबी गहरी सांसों के साथ पूरा श्वसन मार्ग हमारा एक्टिवेट होता है और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा शांति आध्यात्मिक उन्नति।
की मुद्राएं, लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा लंबा खींचने की आदत डालें। नियमित अभ्यास हम क्लास में तो 5 से 7 बार या 10-11 बार कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको और तनाव रहित होना, तनाव की स्थिति पर टेंशन, तो आप इसका अभ्यास 11, 21, 51 कंटिन्यू आप कर सकते हैं। बहुत चलिए करेंगे सब साथ में, लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार गीत कीजिए। आज के इस क्लास को यहाँ पर विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आशा करती हूँ कि आपके अंदर जो भी डिसीज होगी आप इस क्लास के माध्यम से दूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें आज मधुमेह और उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए और बताया आपने। समय आज थोड़ा हमारा शुरू होने में लेट हो गया था, इसके लिए हम खेद है। कोई बात नहीं सर, मेरे तरफ से भी हुई है। एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, जिनको उच्च रक्तचाप या हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो कुंभक कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उन्हें कुंभक नहीं लगाना है। इस बात को थोड़ा क्लियर करना था। कुंभक आप प्राणायाम के दौरान हम कुंभक भी करते हैं, तो जिनको हाई बीपी रहता है उन्हें श्वास को रोकना नहीं है। नहीं, कोई भी प्राणायाम आप करते हो श्वास को। इसलिए मैंने बाह्य प्राणायाम नहीं लिया ना सर, पैकेज में अपने 8 अभ्यास होते हैं, लेकिन बाह्य प्राणायाम को नहीं करना क्योंकि उसमें तीनों बंद लगते हैं। बंद भी नहीं लगाना है, बंद भी नहीं लगाना है, बराबर जी। उससे बढ़ता है, वर्जित है बराबर। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आज हमारे साथ कुछ नए भाई बहन भी जुड़े हुए दिख रहे हैं मेरे को। डॉक्टर रमेश जी नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस उम्र में आप सारे आसन कर रहे थे, मैं देख रहा था आपको। रमेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं स्वागत करता हूं, और इसमें उमरेड से हमारी बहन संगीता मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको सभी आसन और प्राणायाम, जो कुछ भी अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी दी है। हमारे बहन ने अभी भी नजदीक में ही डिप्लोमा इन योगा साइंस किया हुआ है, और उनका YCB लेवल 2 भी हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत मीठी आवाज में हमको सिखाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और काम सभी को लाभ मिला है। कितने दिन से आप योगा अभ्यास कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर रमेश पांडे मुझे नागपुर से हूँ। मेरा MBBS MS सर्जरी हुआ है, और मैं 1996 से योगासन प्राणायाम करता हूँ। इस उम्र में आज कितने स्वस्थ और बिल्कुल युवाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके प्रेरणा मिलती है हमें, आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। सुनील जी भाई साहब, सुनील जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ सर,
ओम हराम। बड़ा अच्छा सेशन किया सर ये मिश्रा जी का, हमने संगीता मिश्रा जी का बड़ा अच्छा लगा, और हर तरीके से बहुत क्लियरिटी से कर करके बताया है चीज को, बहुत ही अच्छा लगा जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंदू जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बस जितना हो सका उतना मैंने भी किया आसन वगैरह, और बाद में प्राणायाम किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुचेता जी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर लिया संगीता जी ने, एक्सप्लेन करते समय जो उन्होंने बताया वो तो बहुत अच्छा था, और बहुत सुंदर तरीके से लिया, पूरा प्रयास किया करने का, बहुत बहुत अच्छा। ये चीज बहुत जरूरी होती है, हम आसन करते हैं लेकिन आसन करते समय हमें सावधानी क्या रखनी है, इस बात को उन्होंने बताते हुए सारे आसन करवाए। आसन हम कर लेते हैं लेकिन सावधानी नहीं रखने से हमें आसन से जो लाभ होना चाहिए उसके जगह कहीं नुकसान हो जाता है, तो सावधानी पूर्वक करना है, तो सावधानी को हमें पहले माइंड में रखना है कि हमें क्या को सुन लेना है। तो इस बात को क्लियर करते हुए आपने बताया, बहुत सुंदर। मनोज जी। जय जिनेंद्र सर। संगीता जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बीपी हाई बीपी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। मंजू जी चाजेड़। मंजू जी ने अपने आपको अनम्यूट किया, मंजू जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र सर, बहुत सुंदर तरीके से, और आज तो अच्छा एक्सप्लेन किया कि पश्चिमोत्तान पश्चिम किस लिए इसके नाम दिए, तो बहुत अच्छा लगा है जानकारी, एक एक चीज सीखने को मिलती है आपके यहाँ पर, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग इतना समय देते हैं हम लोगों के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। सविता की जी, सविता जी के नाम से कोई भाई साहब जुड़े हुए हैं, सविता नाम आ रहा है लेकिन आपने आपको अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। गिरडे सर आए क्या? नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नाम संगीत सविता नाम आ रहा है, मिसेज का नाम। मैडम का मोबाइल है। अरे मैडम का मोबाइल है, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। मैं ज्वाइन हुआ था क्योंकि ये बीपी शुगर का वैसे तो अभी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आगे हो सकता है, बहुत बढ़िया। योगाभ्यास नियमित करेंगे तो होगा नहीं जी, योगाभ्यास नियमित किए कीजिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी 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 जी। वैसे योगा और ये मैं घर में हर दिन करते रहता हूँ, और जो वीडियोस है क्योंकि मुझे जानने के लिए कहीं फुर्सत नहीं मिलती इसीलिए मैं घर में ही करता हूँ सर। चलिए अच्छी बात है, तो अब समापन की ओर चलें, समय हमारा संपन्न ऑलरेडी हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मैं शक्ति, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर बहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगलभावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब सदैव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब सदैव के आभारी।